हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर्स। तो फाइनली एमटीएस की नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आ गए हम। ऑलरेडी काफ़ी सारी एमटीएस की, सीजीएल की और सीपीओ की शिफ्ट हम करा चुके हैं। आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं पीवाईक्यू सेक्शन में और जाके देख सकते हैं सारी वीडियोस। ये 5 शिफ्ट का एग्ज़ाम था, 5 सितंबर का एग्ज़ाम था और 3rd शिफ्ट का पेपर है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। देखिए तरीका वही रहेगा, आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे, सोचिए क्या इसका आंसर, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड। कहाँ हुए थे ये? ऑप्शन फर्स्ट न्यू दिल्ली, सेकंड पंजाब, 3rd यूपी या 4th झारखंड में। कहाँ हुए थे ये? देखिए पिछले शिफ्ट में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये यूपी में हुए थे। ये 3rd एडिशन था 2023 का। इसको जीता किसने था? इसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीत लिया था और ये यूपी के लखनऊ में हुआ था। अच्छा बताइए, 1st एडिशन कहाँ हुआ था और 2nd एडिशन कहाँ हुआ था? पिछली शिफ्ट में एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था, 3rd एडिशन में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे इसमें मैस्कॉट कौन था? तो इसका मैस्कॉट जीतू था, स्वैम डियर, जिसको बारहसिंगा कहते हैं, और ये स्टेट एनिमल है यूपी का। और जो 1st एडिशन है वो उड़ीसा में हुए थे, 2nd एडिशन इसके कर्नाटका में हुए थे। एक बीच में गैप आ गया था 2022 में कोरोना के टाइम पे, जब ये नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज धिवेई। किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? ऑप्शन फर्स्ट चाइना, सेकेंड भूटान, 3rd श्रीलंका या मालदीव्स। अगर आपको सबकी पता हो तो आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ मालदीव्स। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये मैंडरिन है, जो यूएन की भी है। भूटान की ज़ोंका है और श्रीलंका की सिन्हाला या तमिल, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, सेकेंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं है, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कोई डीपीएसपी नहीं है। 3rd यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 4th है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। DPSP की थोड़ी बात कर लेते हैं। DPSP आता कौन से पार्ट में? ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स किस में गया है? इसमें बताया गया है इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की, जो आर्टिकल 49 में इसकी बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉपुलर, आर्टिकल 44 में बताया गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 का पार्ट है। एक और आर्टिकल DPSP में पूछा जाता है, आर्टिकल 37, जिसमें एप्लीकेशन बताई गई है सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डांस पे क्वेश्चन है, लेबांग बोमाई डांस इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ। किसका हार्वेस्ट डांस है? ये त्रिपुरा का है। कुछ और डांस की बात कर लेते हैं, जैसे मिजोरम में इंपॉर्टेंट डांस क्या है? एक चैलाम है, चेरा हुआ है, या बैम्बू डांस इंपॉर्टेंट कुछ डांस हैं। आसाम में बिहू हो गया, झूमर हो गया, सतरिया हो गया, और मेघालय का वांगला या नोंगक्रम, नोंगक्रम वांगला, सतरिया इसका बिहू या झूमर। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको हर शिफ्ट में मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र झंझरिया वॉन विच मेडल प्लेस इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। देखिए इनको सिल्वर मिला था और ये जेवलिन प्लेयर हैं, या तो आपको पता होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि ये पहले पैरा एथलीट थे जिन्होंने पद्मभूषण मिला था, जिन्हें पद्मभूषण, 3rd सिविलियन ऑनर है, 3rd हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर महोगनी, रोजवुड एंड चिंकोना ट्रीज फाउंड इन इंडिया। तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, सेकंड है मैंग्रोव फॉरेस्ट, 3rd है माउंटेन फॉरेस्ट, या 4th ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ मिलते हैं ये? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। अंडर विच स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिड द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनोग्रेट उम्मीद मार्केट प्लेस, उम्मीद, एस श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर सपोर्टिंग लोकल आर्ट एंड आर्टिसन, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। एक्चुअली में SHG ये सब्सिडाइज रेट में, RBI से लिंक सब्सिडाइज रेट में लोन प्रोवाइड करते हैं।
तो ये आकाश स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है, हु हैड फाउंडेड द फर्स्ट वुमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आपने डायरेक्ट इसको याद ही कर लेते हैं, डी के करवे, ऐसे याद किया होगा आपने, ढोंडो केशव करवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया बीट इन द फाइनल टू विन द 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैम्पियनशिप। किसको हराया था इंडिया ने? लेबनान को हराया था। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियर ऑकर्स ड्यूरिंग। प्रोसेस पूछा गया तो पहला है द साइटोकाइनेसिस, सेकंड द एस फेस, थर्ड द कैरियोकाइनेसिस या फोर्थ द जी जीरो फेस। क्या इसका आंसर? साइटोकाइनेसिस। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर डांस पे क्वेश्चन आ गया, तो महारी डांस एंड गोतीपुआ डांस, कहाँ का डांस है ये? उड़ीसा का। देखिए नाम देखते ही आपको स्टेट याद आ जाना, तुरंत इतना याद होना चाहिए आपको, महारी एंड गोतीपुआ उड़ीसा का डांस है। एक्रोनिम पूछा है, व्हाट इज द डज द एक्रोनिम एटीएम स्टैंड फॉर? ईजी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुक एंड ऑथर पे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड अ मेमोयर। तो भी ये भी बहुत फेमस है और काफ़ी जगह रिपीटेड हो चुकी है पहले ऑलरेडी, तो ये प्रियंका चोपड़ा की किताब है। फिर डांस पे आ गया है द मुक्तेश्वर, देखिए मुक्तेश्वर पढ़ गई, उड़ीसा आना चाहिए। मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज हेल्ड फ्रॉम एट द मुक्तेश्वर टेंपल इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के, टीसीएस इनको रिपीट ही करता रहता है। देखिए अगर आपको टीसीएस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास होगी ऑलरेडी, एक पिनेकल की बुक आती है जिसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। मैथ्स की तो आपको 100% लेनी चाहिए और जीएस की भी आप ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। क्वेश्चन फिर वापस लौटते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज पॉपुलरली नोन एज पंचम्ड? ये आर डी बर्मन को ही कहते हैं, आर डी बर्मन। पॉलिटिकल को फिर क्वेश्चन आ गया, हु इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया? कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे क्वेश्चन आ गया, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के काफ़ी सारे नाम है, हर स्टेट में आपको डिफरेंट नेम मिल जाएंगे इसके, और इसकी एक लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, हम प्रोवाइड भी कर देंगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, तो ये आप याद कर सकते हैं और रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो भृंगा किस स्टेट का? ये उड़ीसा का ही है। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को? इसको दहिया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पेंडा और मणिपुर में पोमलाव। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और भी काफ़ी सारे नाम है जो आप याद कर सकते हैं, इसकी लिस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो जो अलग नाम है अलग अलग स्टेट में, वो आप याद कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या है। वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड सर्विसेज इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग? ऑप्शन फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स इनसाइड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। नहीं। इट हेल्प्स ट्रैक चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेज एंड मार्केट डिमांड? ये भी नहीं। इट अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड? बिल्कुल, इसलिए डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 118 है। किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोजली ने दिया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इज द सांची स्तूप सिचुएटेड? कहाँ है सिचुएटेड? मध्य प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट फेथ का ये, और एम्परर अशोक के टाइम पे बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ईरानियन रूलर हु अटैक द सिटी ऑफ दिल्ली एंड टुक अवे एन इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ इन 1739? तो 1739 देख के ही आपको हिस्ट्री का याद आना चाहिए, बैटल ऑफ करनाल, जो कि हुआ था मोहम्मद शाह, जैसे मोहम्मद शाह ने सरेंडर कर दिया था, काफ़ी भयंकर लूट की थी नादिर शाह ने, 1739 का ये युद्ध था। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे, होपफुली आपको अच्छा लगा ये सेशन। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी वीडियोस विजिट करिए, और भी नेक्स्ट शिफ्ट लेके आपके पास आते रहेंगे, और बाकी एसएससी की सारी अपडेट्स के लिए आप चैनल को